मानसिक संतुलन बिगड़ गया है राहुल गांधी जी का। ये भारत के संस्कार नहीं है। दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, जिनको दुनिया के दर्जनों देशों ने अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है, आज केवल भारत नहीं दुनिया की आस है नरेंद्र मोदी। और उनके बारे में अब शब्दों का प्रयोग करना यही दर्शाता है कि कांग्रेस बौखलाई है, उसका अस्तित्व समाप्त होने वाला है। हार का डर ऐसा है कि वो सीट छोड़ते भाग रहे हैं। उस बौखलाहट में उन्होंने दिमागी संतुलन खो दिया है। राहुल गांधी जी का मानसिक उपचार कराने की आवश्यकता है। मानसिक संतुलन बिगड़ गया है राहुल गांधी जी का। ये भारत के संस्कार नहीं है। दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, जिनको दुनिया के दर्जनों देशों ने अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है, आज केवल भारत नहीं दुनिया की आस है नरेंद्र मोदी। और उनके बारे में अब शब्दों का प्रयोग करना यही दर्शाता है कि कांग्रेस बौखलाई है, उसका अस्तित्व समाप्त होने वाला है। हार का डर ऐसा है कि वो सीट छोड़ते भाग रहे हैं। उस बौखलाहट में उन्होंने दिमागी संतुलन खो दिया है। राहुल गांधी जी का मानसिक उपचार कराने की आवश्यकता है। मानसिक संतुलन बिगड़ गया है राहुल गांधी जी का। ये भारत के संस्कार नहीं है। दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, जिनको दुनिया के दर्जनों देशों ने अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है, आज केवल भारत नहीं दुनिया की आस है नरेंद्र मोदी। और उनके बारे में अब शब्दों का प्रयोग करना यही दर्शाता है कि कांग्रेस बौखलाई है, उसका अस्तित्व समाप्त होने वाला है। हार का डर ऐसा है कि वो सीट छोड़ते भाग रहे हैं। उस बौखलाहट में उन्होंने दिमागी संतुलन खो दिया है। राहुल गांधी जी का मानसिक उपचार कराने की आवश्यकता है।